नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रिया हीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में एक बड़ा खुलासा करने का दावा किया गया है। ये दावा ईडी ने किया है, जिसका आधार उसने अपने चार्जशीट को बनाया है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया ने 2,20,00,000 रुपए की रिश्वत ली थी। यह रिश्वत सिसोदिया के करीबी दिनेश अरोड़ा के जरिए ली गई थी। ईडी के दावे के मुताबिक सिसोदिया को यह रिश्वत कारोबारी अमित अरोड़ा की तरफ से मिली थी। ईडी का यह भी दावा है कि इस रकम के बदले एक्साइज पॉलिसी 2021-22 में बिजनेसमैन अमित अरोड़ा को फायदा पहुंचाना मकसद था। इस केस में ऐसा पहली बार हुआ है जब ईडी ने जेल में बंद आपके दूसरे बड़े नेता को सीधे तौर पर रिश्वत के लेन देन में लिप्त होने की बात कही है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चार्जशीट में लिखा गया है कि जांच में ये सामने आया है कि सिसोदिया के करीबी दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा इस पॉलिसी के कई अवैध गतिविधियों से जुड़े पाए गए हैं। सिसोदिया ने साउथ ग्रुप के अलावा कई और लोगों के साथ ये साजिश रची थी। वहीं इस पॉलिसी के जरिए कारोबारी अमित ने सिसोदिया को 2,20,00,000 रुपए की रिश्वत दी थी, जिसका माध्यम दिनेश थे। हालांकि इस वक्त दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। अपने दावे को पुख्ता करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने अमित के बयान का भी हवाला दिया है, लेकिन इसके खिलाफ आप सांसद संजय सिंह ने अपना बयान जारी कर इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। जितना तथ्य आता जाएगा, हर मुद्दे को लेकर मैं कानूनी कार्रवाई में जाऊंगा। ये एक दूसरा तथ्य सामने आया है जिसमें फर्जी, बेबुनियाद, झूठी बातें लिखी गई हैं, जिसको खुद जिस व्यक्ति के नाम से लिखी गई हैं कि दिनेश अरोड़ा साथ में मीटिंग गया था, वो डिनाई कर रहा है। ऐसी बातें लिखी गई हैं जिसका लीकर पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं, बावजूद इसके आधार बनाकर हमारे सहयोगियों के यहां छापेमारी का काम किया गया, हमारे साथियों के यहां छापेमारी का काम किया गया। इस मुद्दे पर भी मैं कानूनी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ करूंगा और पूरे देश के सामने ऐसे ही एक्सपोज करता रहूंगा, बेनकाब करता रहूंगा नरेंद्र मोदी जी की नीयत को और उनके इशारे पर नाचने वाली ईडी को, जो कॉमेडी सर्कस बन गई है। आप नेता संजय सिंह ने आरोपों का खंडन करते वक्त सिसोदिया के 14 फोन का भी जिक्र किया। हालांकि ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम आया था, जिस पर संजय सिंह ने ईडी पर मानहानि का दावा ठोका था, जिस पर ईडी को सफाई भी देनी पड़ी थी। अब जैसा कि संजय सिंह का कहना है कि वो हर झूठ का पर्दाफाश करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे, ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि ईडी के इस दावे पर आप क्या कानूनी कदम उठाती है, जिसके बाद ईडी का क्या रुख होगा।